हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनदर वीडियो में। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं हमारे लाउ सेटअप के बारे में। लगभग 7 दिनों का सेटअप है दोस्तों, जो हमने भागवत में लगाया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारा सेटअप लगा है, आपको सबका रिव्यू किया जाएगा। इसमें क्या क्या लगा है, इसमें कौन से टॉप, कौन से एम्पलीफायर का यूज़ किया, आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट जो आपको उस स्पीकर की तरफ ले जाता हूँ, जो ऊपर हमने लगाए हुए हैं उधर, जो हमारे उसको हम हॉर्न बोलते हैं। यहाँ पर हमने कुल मिला के 8 हॉर्न यहाँ पर लगाए हुए हैं, वो स्पीकर के ऊपर है। और जो हमारे सेटअप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, जो प्रोग्राम का लाइव सेटअप हमने स्पीकर लगाए हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसलिए मैं सबसे पहले इसका व्यू ले चुका हूँ। उसके बाद आपको पीछे से आगे ले जाता हूँ कि हमने कहाँ से कहाँ पर और किस तरह से बॉक्स लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारे सेटअप में लगे हुए 2 मॉनिटर देख सकते हैं, एक इस तरफ है और इस तरफ है। हम क्लोज में जाकर देखेंगे कि इसका जो एंगल डिज़ाइन कैसा है। यहाँ पर देख सकते हैं एलई सीरीज़ की कैबिनेट है दोस्तों, इसमें हमने Beta 4 के स्पीकर डाले हुए हैं। इसका भी हमने रिव्यू किया है, आप चैनल पर जाके सर्च करके देख सकते हैं इसका रिव्यू। साइड से देख सकते हैं इसका एंगल जो कैसा है, आप कैमरा को बोलूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। यहाँ पर यही टॉप उस तरफ भी है, उसमें भी वही स्पीकर है, देख सकते हैं उस तरफ लगा हुआ है। आगे से दिखाओ इसको, उसको दिखाओ, उसको उसको देख सकते हैं यहाँ पर। और जो हमने रिटर्न और दूसरे रिटर्न आने के लिए, ज़्यादा आवाज़ आने के लिए, यहाँ पर 15 इंच के 2 टॉप लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक साइड में उधर है दोस्त, देख सकते हैं यहाँ पर, और दूसरी साइड में यही सेम टू सेम यहाँ पर उस साइड देख सकते हैं। पास में जाकर देखेंगे इसके उधर, चला स्टॉप का जरा। यहाँ पर देख सकते हैं RCF कॉफ़ी के हमने कैबिनेट यूज किए हैं। इसमें दोस्तों आपको स्पीकर बता दूँ तो PRO के 400 वाट के 2 स्पीकर है। और इसमें जो HF लगा हुआ है दोस्तों, 80 वाट का HF लगा है इस टॉप में। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं बहुत अच्छी है, इसका भी रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है दोस्तों। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर हमने लगाया हुआ है। इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बाहर आवाज जाने के लिए यहाँ पर SRX सीरीज़ का 440 वाट का यहाँ पर एक बॉक्स लगाया हुआ है। इस साइड भी यही एंगल है, उस साइड भी देख सकते हैं, उस साइड पर उस साइड भी सारे स्पीकर लगे इसी तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं, आगे जाकर हम देखेंगे इस साइड का भी। यहाँ पर देख सकते हैं टेज की तरफ करके रखा है हमने आवाज़ आने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से टेज की तरफ आवाज़ आने के लिए रखा हुआ है। टेज देख सकते हैं वहाँ पर है, टेज दिख रहा हूँ उधर से, जो आपको वहाँ पर जो मंदिर दिख रहा होगा उस तरफ टेज है, देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरफ हमारा दूसरा ड्यूल का 15 इंची का यहाँ पर इधर दिखाना है, यहाँ पर देख सकते हैं वही सेम टू सेम लगा हुआ है। इसमें भी PRO की स्पीकर है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने टेज की तरफ इसका भी एंगल करके रखा है, देख सकते हैं टेज उसकी तरफ है, आपको दिखाया था यहाँ से एंगल है। और ये हमारा मॉनिटर है, और सीधे चलते हैं हमारी जो एम्पलीफायर कौन से यूज किए हैं उसकी वायरिंग और एम्पलीफायर सारे जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरा सेटअप लगाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर जो सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ पर आपको वायर भी दिख जाएंगी जो माइक की है, जो 7 दिनों के लिए यूज़ होने वाली है, उसको हमें बार बार लगाना पड़ता है, इसलिए हमने इसको निकाला नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी वायरिंग करके रखी है। जो मिक्सर आते हैं हम मिक्सर दिखाएंगे, मिक्सर पर मिक्सर का बहुत बढ़िया नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं छोटा सा मिक्सर है, आवाजा करने का सिर्फ निकला हुआ है वो DP का। इसका भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर है दोस्तों। इसका जो देख सकते हैं इसमें कुल मिला के 9 चरण का मिक्सर है दोस्तों, यहाँ पर सारे कनेक्शन किए हैं। और नीचे देख सकते हैं हमारे एम्पलीफायर कौन से लगे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 250 वाट के 2 एम्पलीफायर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, दिखाओ इधर इस तरफ एक हमने रखा है, जो हाँ यहाँ पर बैठ नहीं रहा था इसलिए खड़ा कर दिया है। इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आवाजा का भी UV 500 वाट का भी एम्पलीफायर लगा हुआ है। उसके नीचे भी देख सकते हैं हलू जहाँ लगा सके, यहाँ पर देख सकते हैं हमने RXCB मशीन लगाई हुई है यहाँ पर, जो इसमें जो है मॉनिटर लगे दोस्तों एक चैनल पे, 500 वाट के 2 स्पीकर है उसमें Beta 4 के, इसलिए हमने चैनल ए पर 2 मॉनिटर लगाए हुए दोस्तों। इसका जो वाटेज कमी है इसलिए हमने एक चैनल पर 2 लगाए। नीचे देख सकते हैं हमने 12-15 जो हमारे 15 इंच के कॉलम है उसके लिए हमने अराउंस इंडिया की, यहाँ पर देख सकते हैं और अराउंस इंडिया के हमने एक चैनल पर एक हमारा जो कॉलम है डाल के रखा है भाई इस एम्पली पर, देख सकते हैं। जो इसका जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमने चैनल पर डाला है, आप देख सकते हैं। और इस पर जो हमने आवाजा की सारी इसकी सीरीज डाली हुई है,
जो आपको पीछे दिखाई थी 440 वैट की, इस पर लगे हुए हैं। इस पर है जो चार हॉर्न लगे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इस एम्पली पर जो 250 वैट की है SSC सीरीज, और इस सीरीज पर भी हमने चार हॉर्न डाल रखे हैं दोस्तों। इस सीरीज में भी यहाँ पर हमारा मिक्सर हो गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और पीछे चलते हैं और इसके वायरिंग देखेंगे, देख सकते हैं पीछे से हमने यहाँ पर वायर लगाए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो इनपुट है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इनपुट यहाँ से होकर हमारा इसको भी आप इस जो फ़ोन हम हेडफोन में लगा कर सुनते हैं, मगर इसे भी हम एक एम्पलीफायर को चला सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चार स्लॉट है इसके, और इसमें हमने लगाए हुए जो ये पिन देख सकते हो, जो हमारी जो हमारे 500 वाट की UBS सीरीज है उसकी इनपुट है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट हो चुका है, और जो ये दो पिन आ चुके हैं यहाँ पीछे से देख सकते हैं। इसकी वायरिंग जो है हमने इसको पैरेलल मोड पर सेलेक्ट कर रखा है दोस्तों, एक ही इनपुट पे दो चैनल काम करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 2 15 इंच के यहाँ पर दो स्पीकर ऑन स्पिन लगे हुए एक एक चैनल पर। और ऊपर वाले यानी इसकी बात करें तो यहाँ पर हमने स्टूडियो मोड पर लगाया हुआ है, देख सकते हैं एक ही चैनल पर दो मॉनिटर हमने लगाए हुए देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके थ्रू एक मॉनिटर कनेक्ट किया है, और इसके थ्रू स्पीकर ऑन पिन के थ्रू एक मॉनिटर कनेक्ट किया है। और इसका इनपुट तो आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग क्या है क्या नहीं, दूर से देख सकते हैं। इसकी जो ए सेटिंग हमने कुछ भी नहीं चेंज किया है, सिर्फ इसको पैरेलल मोड पे हमने सेलेक्ट किया है एक पिन के थ्रू। सारी तो हो गए दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो हमने माइक यूज़ किया है आउजा का, यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो 5 माइक्स हमने यूज़ किया आउजा के, यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी वीडियो हमने डाल रखा है हमारे चैनल पर। तो कुछ नया तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इनपुट स्लॉट है, कुछ नया बताने का भी नहीं है देख सकते हैं। और यहाँ पर जो काम में आने वाले यहाँ पर स्टैंड भी हमने रख रखे, माइक के स्टैंड है दोस्तों। इतने सारे माइक आपको लग रहा हो इतने सारे स्टैंड किस काम में आएंगे, मगर दोस्तों आपको जब लाइव हम दिखाएंगे उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि इसका काम किस जगह पर और कैसे आने वाला है। यहाँ से देख सकते हैं हमारे स्टेज का एंगल, यहाँ पर देख सकते हैं 15 इंच के यहाँ पर डोल वाला, उसके पीछे आउजा का है, उसी तरफ राइट साइड में देख सकते हैं उसी तरफ हमारा 15 इंच है, उसके पीछे आउजा का है, उसके नीचे देख सकते हैं हमारे मॉनिटर, और ये भी मॉनिटर सब हमारा ऑपरेटर है जो नया नया सीख रहा है, अभी सीखने की कोशिश कर रहा है, बहुत शर्मिला है दोस्तों, कुछ काम का नहीं है ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। वीडियो बना रहा था मगर मुझे कैमरा लेना पड़ा, उस एंगल से नहीं बन रहा था। यहाँ पर हमारा लाइट का बोर्ड भी देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर इस जनरेटर का यूज किया है, कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। इसमें आपको दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, यहाँ पर हैंडल घुमाना पड़ता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर कुछ पर्सनल या बेसिक चीज़ों के लिए आपको दिखाना जरूरी है। देखो कैसे बजा रहा है इसको, ये बताने की ज़रूरत नहीं है उसको कैसे बजाना है। अरे फोड़ डालेगा क्या, रुक जा, रहने दे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जनरेटर कुछ इस कंपनी का है। अरे हमारे कनेक्शन है जो आउटपुट देने के लाइट के लिए, अरे इसको क्या तोड़ा लेगा, रुक जाना भाई। हम चलते हैं अभी लाइव टेस्ट की ओर सीधे से, और आपको इसकी लाइव टेस्टिंग दिखाएंगे कैसा रिस्पांस आता है। Yeah.
Oh,